आचार्यवान पुरुषो वेद, अगर हम आचार्यवान बनेंगे तो वेद हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आचार्यवान कैसे बन सकते हैं, या आचार्यों को जान के, आचार्यों के चरित्रों को जान के, आचार्यों की शिक्षाओं को समझ के हम आचार्यवान बन सकते हैं। तो कल हम संस्मरण हो रहा था श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का। तो वह आज ही उन्हीं का हमें स्मरण हो रहा है, या उनके जीवन का एक घटना, एक प्रसंग। परकीय भावे जहा ब्रजेते प्रचार, ऐसे वृंदावन में, ब्रज में, तो परकीय भाव का प्रचार और आचार भी, गोपी आचरण करती है परकीय भाव का। तो इस परकीय भाव का अवलंबन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी किए थे, उसी के अनुसार अपनी साधना भक्ति या रागानुगा भक्ति कर रहे थे। उसे साधना के भी दो प्रकार, एक वैधी साधना और दूसरी है रागानुग साधना या रागानुगा साधना। तो हम गौड़ीय वैष्णव, ऐसे हमारी साधना रागानुगा साधना। तो इस रागानुग साधना के अंतर्गत जो परकीय भाव वृंदावन का है, या इसी का ही आचार और यही थे उनके श्रील भक्त श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विचार और प्रचार भी उसी का करते थे, परकीय भाव का प्रचार। और अपने ग्रंथों में वही सिद्धांत लिखते थे, किंतु वह उसी समय के कुछ पंडित, पंडित मतलब वैसे ज्ञाता, लेकिन वह नहीं जानते थे इस परकीय भाव को। तो परकीय भाव के बजाय वे वृंदावन में स्वकीय भाव का प्रचार कर रहे थे। और तो इस प्रकार उनका भी विरोधक हुए, विरोधी, एंटी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पार्टी वे बन गए। तो वह हरी हरी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो प्रगाढ़ विद्वान और राधा कृष्ण के अनन्य भक्त, तो अपने विद्वत्ता से वे स्थापना कर रहे थे, परकीय भाव की स्थापना कर रहे थे। तो वह जो विचार, जो विरोधक पंडा या पंडित थे, वे विरोध कर रहे थे और तो उस विरोध के विचार में उन्होंने एक समय ऐसा भी सोचा कि हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विचार और प्रचार तो अकाट्य है, हम उनको काट नहीं सक पा रहे हैं, तो क्यों ना हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ही काटते हैं, मारते हैं।
तो इन्होंने कुछ पंडितों ने मिलके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हत्या का कांड रचा। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रतिदिन वृंदावन की पंचक्रोशी परिक्रमा करते प्रातः काल में। तो इन विरोधी पंडितों ने योजना बनाई कि प्रातः काल में, भोर में, उषा काल, जब थोड़ा अंधेरा ही होता है और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस कुंज में, सघन वन में, जहाँ और अंधेरा होता है प्रातः काल में, वहाँ पहुँचेंगे तो हम भी वहाँ पहुँचकर उनकी हत्या करेंगे। तो इस योजना के अनुसार फिर वे आगे बढ़ रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी परिक्रमा करते 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 जब इन पंडितों ने निर्धारित किए स्थान पर वे पहुंचने ही वाले थे, तो वह और अभी वे भी पहुंच ही रहे थे, पीछे से या आगे से ही, या जहाँ से जा भी छिपे थे, उनको घेरना था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, फिर मारेंगे, हत्या करेंगे। तो जैसे ये पंडित लोग आगे बढ़े या घेरने का प्रयास उनका चल रहा था, इतने में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ नहीं दिखे, अदृश्य हुए। और उसी स्थान पर, उसी कुंज में उन्होंने कुछ बालिकाओं को देखा, बड़ी सुकुमार और सौंदर्य की खान थी वो बालिकाएं, बड़ी तेजस्वी थी वो बालिकाएं। और वो व्यस्त थी, पुष्पों का चयन कर रही थी। तो इन पंडितों ने पूछा, है तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हम राधा रानी की सहचरिया है, और राधा रानी इन दिनों में अपने ससुराल जावट में विद्यमान है, विराजमान। उन्होंने हमें पुष्पों के चयन के लिए यहाँ भेजा है। तो इन पंडितों ने पूछा, क्या तुमने किसी व्यक्ति को यहाँ अभी अभी यहाँ से गुजरते हुए देखा, और तुम जानते हो किस दिशा में वो आगे बढ़े? तो इन सुकुमार बालिकाओं ने कहा, हमने देखा तो था, लेकिन किस दिशा से आगे बढ़े ये तो हम नहीं कह सकते। तो ये पंडित जो अभी संभ्रमित हुए थे, हाँ, और उनको तो चाहिए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उनके खोज के लिए इधर उधर थोड़ा तलाश करने का उनका प्रयास रहा। इतने में उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा। अब वो बालिकाएं वहां नहीं थी, उसमें से एक बालिका ही बन गई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये बालिका है, ये भगवान की सहचरी, भगवान की, राधा रानी की सहचरी या राधा कृष्ण की मंजरी।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी तो मंजरी ही थे। तो कुछ समय के लिए वे मंजरी भाव में और मंजरी के स्वरूप को धारण किए और पुष्पों का चयन कर रहे थे, और फिर वो दर्शन, वो दृश्य दिखाया पंडितों को और उनको पुनः अपना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रूप दिखाए। तो वह फिर पंडित समझ गए, उनको भी अनुभव या साक्षात्कार हुआ कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो उच्च कोटि के महात्मा तो है ही, किंतु ये भगवान के या राधा रानी के एक एक परिकर पार्षदा या गोपी या मंजरी है। तो फिर वे सभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में चरणों में गिरे और खूब क्षमा याचना की उन्होंने, उन्होंने जो अपराध किए थे और अभी तो महाअपराध करने जा रहे थे, उनकी हत्या का ही कांड रचे थे, तो वो हरी हरी तो वह तो ये है पहचान श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। तो ऐसे हमारे कुछ आचार्य, ऐसे ऐसे आचार्य भगवान के पार्षद परिकर या राधा कृष्ण के परिकर पार्षद ही प्रकट होते हैं। अरे सॉरी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जैसे भगवान प्रकट होके धर्म की स्थापना करते हैं, तो आचार्यों का कार्य वही होता है, आचार्यों के प्राकट्य का उद्देश्य वही होता है, धर्म संस्थापनार्थाय। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने जमाने के, और ये कुछ आई थिंक 200-250 वर्ष पूर्व इस धरातल पर रहे या वृंदावन में ही रहे, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म, नित्य धर्म, भागवत धर्म के संरक्षक भी वही थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो वह तो धर्म के रक्षा के लिए उनके कई सारे प्रयास रहे, और उनकी विशेष कंट्रीब्यूशन उनके उनके ग्रंथ है, उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की है, कई भाष्य लिखे हैं, कई सारे अष्टक लिखे हैं, जैसे हम कल बता रहे थे गुरुवाष्टक है, या कई सारे सो मनी।
माधुर्य कादम्बिनी नाम का ग्रंथ का आशा है कम से कम आप नाम भी तो सुने होंगे। तो ये ग्रंथ प्रिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रचना है, माधुर्य कादम्बिनी। और जहाँ तक गौड़ीय वैष्णव की साधना और गौड़ीय वैष्णव की रागानुगा साधना, मैंने कहा है एक वैधि साधना होती है और रागानुग साधना, तो गौड़ीय वैष्णव की साधना का जो प्रकार है उसको रागानुगा साधना कहते हैं। तो रागानुगा साधक साधकों के लिए ये ग्रंथ माधुर्य कादम्बिनी अति महत्वपूर्ण है। आप सब इसका अध्ययन जरूर कीजिए। वैसे इस्कॉन में इसका अध्ययन होता है, इस पर कई सारे सेमिनार्स दिए जाते हैं, दिए गए हैं। तो वह जिसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रद्धा से प्रेम तक, हम भी कहते रहते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक या जीवन की साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? श्रद्धा से प्रारंभ होती है। शुरुआत श्रद्धा से या साध्य है या साधन है, साधन है श्रद्धा कहो। और फिर साध्य क्या है? साध्य क्या है? प्रेम पुमार्थो महान, ये गौड़ी वैष्णव की खासियत भी है। उनका लक्ष्य प्रेम होता है और उनका लक्ष्य मोक्ष अधिकतर बनाते हैं लोग, मोक्ष या मुक्ति या स्वर्ग प्राप्ति या इज दैट। लेकिन गौड़ीय वैष्णव दे डोंट सेटल विथ एनीथिंग लेस देन प्रेम। प्रेम सर्वोच्च है, या प्रेम मतलब ही प्रेम प्राप्ति मतलब ही राधा कृष्ण प्राप्ति, राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति, राधा कृष्ण प्रेममयी सेवा प्राप्ति। और फिर राधा कृष्ण का सानिध्य प्राप्ति, राधा कृष्ण का दर्शन और सानिध्य और धाम प्राप्ति, ये सब प्रेम प्राप्ति के साथ ये सब की प्राप्ति होती ही है। तो शुरुआत श्रद्धा से और अंततो गत्वा प्रेम प्राप्ति। लेकिन बीच में कई सारे सोपान है, फेजेस स्टेजेस है, तो उसका विस्तृत वर्णन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किए हैं। तो हम भी समय समय पर चर्चा तो करते रहते हैं। आदो श्रद्धा, वही बात फिर आपको याद आएगा, आदो श्रद्धा, फिर क्या साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर होती है निष्ठा, फिर होती है क्या रुचि, फिर आसक्ति, फिर क्या भाव, और फिर प्रेम। तो इसका सारा भक्ति का शास्त्र है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु भी शास्त्र है और रूप गोस्वामी और भक्ति रसामृत सिंधु दिए, तो अन्य अन्य आचार्य और भी शास्त्र दिए हैं।
या शास्त्र पर भाष्य लिखे हैं, मतलब समझाए हैं, स्पष्टीकरण दिए हैं उन शास्त्रों का, तो वह तद्वत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस ग्रंथ में आधुरी कादम्बिनी यह शास्त्र है, भक्ति का शास्त्र है, मतलब विज्ञान है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस विज्ञान को जानते थे कोर्स, तो वे शास्त्रज्ञ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रज्ञ मराठी में या शास्त्रज्ञ, तो हम जब शास्त्रज्ञ कहते हैं तो या वो गैलीलियो और न्यूटन संध्या ऐसे कुछ नाम हमको याद आते हैं, लेकिन जब शास्त्रज्ञ कहते हैं शब्द शास्त्रज्ञ कहते हैं तो हमको आचार्यों का स्मरण नहीं होता है, ऐसा ही माहौल है। हम मध्वाचार्य को शास्त्रज्ञ नहीं कहते, या श्रील प्रभुपाद शास्त्रज्ञ रहे, या रामानुजाचार्य शास्त्रज्ञ थे, या तुकाराम महाराज शास्त्रज्ञ थे, देवर साइंटिस्ट, जो साइंस को जानता है तो साइंटिस्ट कहते हैं, मतलब शास्त्र को जानता है वो शास्त्रज्ञ होता है। लेकिन यह गीता भागवत और ये आध्यात्मिक बुक्स किताबें ग्रंथ ये शास्त्र है, इसी बात को ही हम नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली। शास्त्र मतलब फिजिक्स, शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, शास्त्र मतलब बायोलॉजी, शास्त्र मतलब बॉटनी, शास्त्र मतलब ये ऑल दिस, हाँ ये शास्त्र है, लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, भगवान कहे शास्त्रम प्रमाणम ते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो गीता भागवत शास्त्र है, वेद पुराण ये शास्त्र, ये साइंस है, दिस इज अ साइंस और ये साइंटिफिक है। तो ऐसा ही शास्त्र, यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रस्तुत किए कई सारे शास्त्र, कई सारे ग्रंथ, सो मेनी साइंटिफिक, इसमें सारा स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक शास्त्र को समझाए लिखे, तो उसमें से एक उनकी भेंट है हम सभी के लिए, भेंट दिए, और है माधुर्य कादम्बिनी अमंगस्ट सो मेनी अदर कमेंट्रीज और बुक्स। तो इसके बारे में फिर आगे आगे सोचिए, आगे बढ़िए, माधुर्य कादम्बिनी सेनापति भक्त कहीं से प्राप्त करो, या वह यू हैव कॉपी, यू हैव एक्सेस टू माधुरी कादम्बिनी का नाम भी सुने तो कैसे प्राप्त करो, हाँ इंटरनेट या कैसे खरीद भी सकते हो, एंड स्टडी। और फिर मैं कह रहा था फिर आप आचार्यवान बनोगे, आचार्यों को समझोगे, आचार्यों के चरित्र को समझोगे, आचार्यों के शिक्षाओं को समझोगे, तो फिर आप आचार्यवान बनोगे,
आचार्यवान, जिनके हैं आचार्य, जिन्होंने अपनाया है अपने जीवन में आचार्य को, उसको कहते हैं आचार्यवान। तो ऐसे आप आचार्यवान बनो, और आचार्यवान बनने से आचार्यवान पुरुषो पुरुषः भी कह सकते हैं, आचार्यवान पुरुषः वेद। जो व्यक्ति आचार्यवान है पुरुष, पुरुष मतलब व्यक्ति, स्त्री भी आ गई, स्त्री पुरुष आ गए, दोनों भी आ गए, जीवात्मा, जिस जीवात्मा के आचार्य है या वे आचार्यवान है, किसी भी लिंग के हो सकते हैं, वे आचार्यवान बनते ही वेद, दे विल बिकम नॉलेजेबल, वे ज्ञानवान बनेंगे। फिर तो जो आचार्यवान है वो बनेगा ज्ञानवान, उनको ज्ञान होगा। और वही तो बात है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे अज्ञान को दूर करे, उन्होंने जो सिखाया है विज्ञान, विज्ञान भक्ति शास्त्र का, भक्ति का विज्ञान, उसका उसका हमको ज्ञान होगा तो फिर हम अज्ञान से मुक्त होंगे। हरि हरि। तो आप ऐसे ज्ञानवान बनो, और फिर ज्ञानवान ही कह दिया मैंने जो कहना था। सुभद्रा सुन रहे हो? चातुर्माश भी है तो कोई विशेष होमवर्क या ऑन डेली बेसिस पर अभ्यास, अभ्यास होमवर्क अंग्रेजी में हुआ, इसको हम लोग अभ्यास कहते हैं, अभ्यास, अभ्यास ही ना तो कौनते ही है। और अभ्यास किसको कहते हैं या होमवर्क किसको कहते हैं? वैसे जो डेली डेली का करना होता, डेली कुछ करना होता है, कार्य या अभ्यास या स्टडी या दिस और दैट, अभ्यास, तो उसी को फिर अभ्यास या हो अभ्यास कहेंगे। तो अभ्यास करो एवरी सिंगल डे, और फिर ऐसी साधना, ऐसा अभ्यास से सिद्धि इज गारंटीड। प्रयत्नांति परमेश्वर मराठी में हम लोग कहते हैं, प्रयत्न करने से परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। ओके, हरे कृष्ण, पुनः मिलामः, आओ जाओ।